भ्रष्टम पापम, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो ये क्या है? इस प्रकार की घटनाक्रम को चलते कहना जरूरी बन जाता है। ये घटनाक्रम है धर्मपुर की स्वर्गवाहिनी नदी आई है, उसका जो स्टार्टिंग का ब्रिज के स्टार्टिंग का जो एरिया है, बैरियर लगाए जाते हैं, वो अचानक गिर गया। आप तस्वीर में देख रहे किस प्रकार की परिस्थिति है। अभी तो बारिश आरंभ हुआ है, अभी तो बारिश जो जितनी गिरनी चाहिए उतनी गिरी भी नहीं है, और इस प्रकार की तस्वीर सामने आई है। सवाल निशान खड़ा लाजमी बन जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी किस प्रकार की परिस्थिति और किस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम देते हैं, इस प्रकार का करतूत करने के बाद इस प्रकार की घटना बनती है। गौरतलब बात इस प्रकार की है कि कोई जानहानि नहीं हुई है, लेकिन कई सारा नुकसान हुआ है। क्या कहा प्रत्यक्षदर्शी का क्या कहना है, सुनिए सिर्फ जनता आवाज भारत पर। ये सब फट गए, आज फटने के बाद सब ऊपर आ गए, हम भी अंदर चले गए। आप किसी को लगा पुलिस अंदर? अभी वीडियो नहीं था। सात लाख कितना बजे हुआ आप लोग यहीं पे लगाए थे? तो कितना लारी गिरा? सात लारी। तो किसी को कोई लगा तो नहीं ना? माल नुकसान हो गया। वो गाड़ी गाड़ी भी गिरी थी? गाड़ी खड़ी थी, क्या हुआ था? गाड़ी खड़ी थी, बाइक गाड़ी पे खड़े थे हम, गाड़ी में मैं खड़ा था, उससे में फट गए। गाड़ी के साथ नीचे आप? अच्छा, तो लारी सब उल्टी पुल्टी हो गई। ये धर्मपुर की स्वर्गवाहिनी नदी आई है, वहाँ पर ब्रिज बना है, और वो ब्रिज के सटे जो है कई सारे लोगों ने, यहाँ पर बाजार भी लगाया जाता है, यहाँ पर लोरिया लगी है, और इस स्टार्टिंग जो ब्रिज के आरंभ से जो बैरियर लगाए जाते हैं और जिस हिसाब उसको पेचवर्क किया जाके उसको लेवल किया जाता है, वो हिस्सा जो है वो गिरा है। गौरतलब बात यह है कि कोई जानहानि नहीं हुई है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि जांच करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके अंदर किस किस के ऊपर सवाल खड़े करें वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसके ऊपर कार्रवाई होती है क्या। लेकिन इस प्रकार का घटनाक्रम होना शर्मसार करने वाली घटनाक्रम, क्योंकि इस प्रकार कॉन्ट्रैक्टर और जो भी भ्रष्ट अधिकारी होंगे, जो जिससे मिले हुए होंगे, और इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है। यह धर्मपुर की घटना है, स्वर्गवाहिनी जो नदी है वहाँ पर था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता आवाज़ भारत।